या मस्त तारियों। सो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल पाइप फिटिंग की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम इस मकान का जो गुमटी बना हुआ है, ऊपर का जो टावर बोलते हैं जिसको, उसका हम यहाँ पर पाइप फिटिंग करेंगे। और सबसे पहले करेंगे हम सीलिंग में जो पट्टियाँ डली हुई हैं उसमें किस तरीके से आपको पाइप फिटिंग करना चाहिए पट्टियों के अंदर, वो भी आप इस वीडियो के अंदर सीख जाने वाले हैं। तो चलते हैं इस गुमटी के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी कम से कम 3, 4, 5, 6, 7 पट्टियाँ यहाँ पर हमारी रखी हुई हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा गुमटी का जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पर हमको एक पॉइंट देना है, और 2 पट्टियाँ छोड़ करके हमको बीच में एक पॉइंट देना है, और 2 पट्टियाँ फिर से छोड़ करके आपको एक तीसरा पॉइंट देना है, क्योंकि ग्राहक ने यहाँ पर 3.1 के लिए भी सिस्टम बनाया है। तो 3 पॉइंट ही हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो लंबाई है उसको यहाँ पर आपको नहीं नापना है, केवल आपको इसको चौड़ाई को नापना है। चौड़ाई जैसे कि आपका 9 फीट है, तो आपको 4.5 फीट के अंडर में आपको इसका सेंटर ले लेना है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर इसका सेंटर आता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए हम यहाँ पर पहले इस पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद में, ताकि हथौड़े की मदद से आपको आसानी से इसको झड़ा लेना है, जो कि इस पट्टी का जो कोना होता है वो आसानी से झड़ जाता है टाँके हथौड़े की मदद से, जो कि हम इसको देसी भाषा में दर्ज बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से झड़ा लेना है। जितने भी आप इसके अंदर पाइप पहुंचाने वाले हैं और किस तरीके से पाइप पहुंचाएंगे वो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है, पहले आपको यहाँ पर इसके जो दर्ज होती है उसमें आपको होल निकालना है। और कई जगहों पर क्या होता है, इस तरीके से होल ना निकाल करके, जो कि हमारा पट्टी का जो बीच सेंटर होता है वहाँ पर ही पूरा खांचा कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा हमको यहाँ पर नहीं करना है। हमको यहाँ पर प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करना है, जो कि मजबूती का काम रहे। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में खांचा ना निकाल करके हम यहाँ पर जो इसका दर्ज है उसमें निकाल लेंगे, क्योंकि बीच में खांचा निकालने से, कंसील्ड बॉक्स या फैन बॉक्स लगाने से पट्टी का जो मजबूती होता है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीनों पॉइंटों का मेजरमेंट कर लिया है। ठीक है, तो तीनों पॉइंटों के लिए सबसे पहले जो हमारा पीछे पीछे का जो पॉइंट है गुमटी का, जिसमें हम पीछे की तरफ एक पॉइंट देने वाले हैं सीलिंग के अंदर, तो वहाँ पर उसके लिए हम पाइप लगाएंगे। पाइप के लिए जो पहला होल है हमारा, दूसरा होल है, वहाँ तक पाइप को नाप करके इन दोनों होल के अंदर बैंड लगा देंगे कुछ इस तरीके से। ये एक बैंड हमारा पीछे की तरफ जा चुका है, और दूसरा बैंड हमारा जो पंखे का, जो हमने यहाँ पर कुंदा लगाया है, पंखा लगा सकते हैं आप इसमें, अगर आप चाहें तो इसमें झूमर वगैरह भी लटका सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर इसके लिए दिया है क्योंकि इसमें कुछ भी लटका सकते हैं, या इसमें लाइट का पॉइंट भी हम बाद में बना देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे 2 पॉइंट हो चुके हैं, और तीसरा पॉइंट हम लगा रहे हैं जो कि हमारा गुमटी है उसका जो आगे वाला हिस्सा है सीलिंग का, उस वाले हिस्से में हम यहाँ पर तीसरा पॉइंट दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। आपको पाइप को पहले नापना है, उसके बाद में आपको बैंड लगा देना है अच्छे तरीके से, बैंड लगा करके और उसको होल के अंदर डाल देना। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा इसका जो मेन जो पाइप जाएगा तीनों पॉइंटों का, वो यहाँ से हम लेंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर होल किया जा रहा है, और 3 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। ये बीच वाला सेंटर है जो कि कुंदा लगा हुआ है पंखे का। ठीक है, ग्राहक ने पंखे का कुंदा लगवाया है, क्योंकि यहाँ पर अगर झूमर वगैरह लगाना चाहें या फिर कुछ लटकाना चाहें तो वो भी यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। ये हमारा गुमटी का फ्रंट एरिया, ये साइड एरिया है कुछ इस तरीके से, मकान का जो फ्रंट एरिया है वो इधर की साइड है। उसके बाद में जो हमारा मेन जो पाइप रहेगा, जो कि हमने आगे की तरफ जो लाइट लगाई थी फ्रंट साइड में सीलिंग में, ठीक है, सीलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, सीलिंग में जो हमने आगे की लाइट लगाई थी फ्रंट में, उस वाले पाइप से लेकर हम इधर की साइड, जो हमारा राइट साइड में, अगर हम सीधी तरफ से देखेंगे तो राइट साइड में हम यहाँ पर बैंड ड्रॉप कर रहे हैं, जो कि मेन वाला जो हमारा पाइप है जिसमें हमारे तीनों पॉइंट इस पाइप में से होकर के, जो हमारी वायरिंग होगी तब हमारे जो तीनों पॉइंट रहेंगे वो इसी पाइप में से होकर के हम यहाँ पर नीचे की तरफ जो झिरी निकालेंगे उस तक पहुँचाएंगे, जो हमारा स्विच बोर्ड रहेगा वहीं से हमारा यहाँ पर पूरा सिस्टम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा उसका इसका बैंड डालेंगे अंदर, बैंड डाल करके इसका मेजरमेंट करके, और यहाँ पर अच्छे से इसको काट लेंगे कुछ इस तरीके से। आपको बड़ा नहीं काटना है, थोड़ा छोटा काटना है, क्योंकि बैंड में अगर आधा पौना अगर चला जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आप इस पर टेप लगाना चाहें तो टेप भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फ्रंट वाला लाइट में से, और ये हमारा सीधा जा चुका है कहाँ पर, जहाँ पर हमारा मेन स्विच बोर्ड लगेगा वहाँ पर ये जो तीनों पॉइंट रहेंगे वो खींच करके जाएंगे नीचे की तरफ। तो
कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये तीनों पॉइंटों के लिए हमने एडजस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हम एक पाइप और निकालेंगे इधर लेफ्ट वाली दीवार पर, ठीक है। ये हम दीवार पे निकाला है, जो हमारा मेन जो पाइप निकाला था हमने वो मेन दीवार पर गया था, राइट साइड वाली दीवार पर, और वो गया था आगे की तरफ। लेकिन ये जो पाइप जा रहा है ये जा रहा है हमारा जो लेफ्ट वाला जो दीवार है, फ्रंट से जब हम देखेंगे तो हमारा लेफ्ट वाला जो दीवार है घुमटी का उस साइड की तरफ हम बेंड उतार रहे हैं, जो कि हमारा रहेगा बीच सेंटर में, जो कि हमने कुंदा दिया था लोहे का, वहाँ से हमारा सीधा जाएगा कहाँ पर, लेफ्ट साइड की जो हमारी दीवार है वहाँ से हम यहाँ पर बेंड ड्रॉप कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा दीवार की तरफ, यहाँ पर हमारा 9 इंची का दीवार बना हुआ है। अगर हम इसकी लंबाई नापें तो कुछ इस तरीके से हमारा जो सेंटर है वो थोड़ा एडजस्ट हमको करना पड़ता है, क्योंकि पट्टियों का मामला है तो आपको 1-2 इंच का फ़र्क नहीं देखना है। लेंटर का अगर होता तो आप फिक्सेशन से उसको सेट कर देते, लेकिन यहाँ पर पट्टियों का मामला है तो हमको थोड़ा 1-2 इंच एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमको वो काम नहीं करना है जैसे कि आपने बीच पट्टी में होल निकाल दिया, वहाँ पर कंसील्ड बॉक्स लगा दिया, ये काम हालांकि हो जाते हैं लेकिन ये काम अच्छा नहीं रहता है। पट्टियों का जो मजबूती होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और ये काम हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो सीलिंग का जो पाइप था वो सेट हो चुका है, और इधर हमारा राइट साइड में एक बेंड ड्रॉप कर दिया है हमने, जो कि मेन बेंड है जो सभी पॉइंटों को खींच करके लेकर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों पाइप हैं, और एक हमारा लेफ्ट साइड में जो हमने दिया था बीच सेंटर में कुंदे से होकर के, वो भी हमारा बेंड लेफ्ट साइड में उतर चुका है। अब यहाँ पर हम पेड़ बांधेंगे, पेड़ बांधने के बाद में यहाँ पर इसका झिरी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये आपको वीडियो में नहीं दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पर हमने पेड़ बांध दिया। उसके बाद में हम यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट वाला दीवार है घुमटी का, वहाँ पर हम झिरी निकाल रहे हैं, जो कि हमने बीच सेंटर में जो पाइप लगाया था वहाँ से सीधा झिरी निकाला। और हम इस पॉइंट को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, जो हम जीने की तरफ जहाँ से चढ़ेंगे, जीने की तरफ चढ़ेंगे, जो हमारा सामने जो दीवार रहेगा ऊंचा वाला, सामने जब देखेंगे हम मुंह उठा करके, तो वहाँ पर हमारा सामने जो पॉइंट लगेगा वो हम यहाँ इस तरीके से ले जा रहे हैं। और ये जो पाइप है ये हमारा मेन वाला पाइप है जहाँ से हमारे तीनों पॉइंट निकल के आएंगे, और दीवार वाला जो सामने वाला जो चौथा पॉइंट है वो भी इसी पाइप में से होकर के नीचे की तरफ चला जाएगा, या फिर ऊपर से ही कंट्रोल कर देंगे उसको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा मेन वाला पाइप है। यहाँ पर हमने एक डिब्बी लगा दिया है, डिब्बी में से हमने सीधा होल करके और इसमें सीधा एक पाइप लगा दिया जो कि बाहर की तरफ जा रहा है। मैं आपको दिखा दूंगा वो कहाँ पर जा रहा है, बाहर की तरफ किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा हो चुका है, और लेफ्ट साइड पर जो पाइप लगाया था वो कुछ इस तरीके से लग चुका है। ये हमने सामने वाली दीवार पर दिया है क्योंकि ग्राहक का कहना था कि सामने दीवार पर लगाना है। हम लगाना चाहते तो लेफ्ट वाली दीवार पर भी लगा सकते थे, इधर राइट वाली दीवार पर भी लगा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। तो ये हमारा मेन स्विच बोर्ड है जिसमें हमने 12 मॉडल का बॉक्स लगाया है, और यहाँ पर हमारा एक पॉइंट लग जाएगा सामने, और राइट साइड में अगर लगाना चाहें गुमटी के बाहर तो वो भी लग जाएगा इसी जंक्शन में से होकर के हम दे देंगे। और यहाँ पर जो हमारी स्टेप लाइट की जो पाइप डली हुई है वो कुछ इस तरीके से है कि 2 सीढ़ियाँ छोड़कर हमने तीसरी वाली सीढ़ी पर स्टेप लाइट लगाई है। कहने का मतलब 3 और 3 6 स्टेप लाइट हमने इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं, वो ग्राहक के कहने पर की थी। अगर ग्राहक ज़्यादा बताता तो हम ज़्यादा स्टेप लाइट इसमें लगा देते हैं। तो हमारा जो मेन कनेक्शन रहेगा वो स्टेप लाइट से होकर के सीधा हमारा ऊपर जाकर के मेन जो हमारा बॉक्स है 12 मॉडल का उस आ जाएगा। कहने का मतलब जो हमारी न्यूट्रल फेज जनरेटर की जो वायर रहेंगी जो कि नीचे से होकर के आएंगी वो इस 12 मॉडल स्विच बॉक्स के अंदर आकर रुक जाएंगी। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का वायरिंग को वीडियो देखना है तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर दबाएँ ताकि इसी प्रकार की इलेक्ट्रिकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू।